अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी इकरा इमरान है और एक न्यू ब्लॉग में आपको खुश आमदीद। आज हम जा रहे हैं पीएफ म्यूज़ियम कराची के। मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगी कि जो कराची का पीएफ म्यूज़ियम है वो कैसा है, जो सिटीजन्स वालों के लिए बनाया है सिटीजन्स के लिए। और बच्चे जो हैं वो रेडी हैं और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं होटल के पास। हम ऑटो में बैठे हैं और पिशापुरी होटल पर हम जो हैं वो रुके हैं। तो जो मेरा भांजा है वो लेने गया है बिरयानी, क्योंकि हमने कहा कुछ होना चाहिए खाने के लिए। ऐसे तो जो है ना वो हम खाली पेट नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तैयारियों में लगे हुए थे तो बहुत भूख लगी थी। तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है आज पीएफ म्यूज़ियम का विज़िट करवाएंगे। ये है रास्ता जहाँ पर हम खड़े हैं और आपको दिखाएंगे। वेलकम एवरीवन, तो हम जो है वो एंटर हो गए हैं और ये आगे जा रही है मेरी फैमिली। सिस्टर जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं और इधर सब हम इंटर होंगे। अच्छा, यहाँ पे तो आज काफ़ी क्राउड है बिकॉज काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए आए हैं, क्योंकि काफ़ी रिफ्रेशमेंट है यहाँ पे। काफ़ी जो है वो क्राउड हुआ हुआ है, ईद की वजह से लोग आए हुए घूमने के लिए। तो अभी हमने जो है वो टिकट लेनी है और टिकट पे तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्राउड है। मेरा बेटा टिकट्स के पास तो बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो हम देखते हैं कि कौन जाता है। आपकी मम्मा को भेजते हैं कि वो टिकट्स लेकर आए। नहीं, मेरे ख्याल से ये जाने वालों की लाइन है। ये आप देख सकते हैं कि कितना क्राउड है। देयर आर लॉट ऑफ क्राउड। और अब हम जा रहे हैं टिकट काउंटर पे। इधर अंदर एंटर होने के लिए जो है वो टिकट्स लेनी पड़ती हैं। तो ये टिकट काउंटर है, तो मैं दिखाती हूँ गाइस। अब हम जो हैं वो एंटर हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह कितना क्लीन है ये म्यूज़ियम, बहुत साफ़ सुथरा है। और सबसे बड़ी बात, जो क्लाउड्स हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं यहाँ आके। जब आप स्काई पर जब देखते हैं तो बड़ा प्यारा सा जो है वो एक एनवायरमेंट लगता है और एटमॉस्फेयर भी बड़ा प्यारा है। ये है कि आपको मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो आएगी, क्योंकि जो है यहाँ पे हवा बहुत तेज़ होती है। यहाँ पे जो है वो प्लेन्स होते हैं लगे हुए बच्चों के लिए कि आप इंजॉय करें। दरअसल हम क्या चीज़, ये देखिए कि कितनी खूबसूरती से जाना है। ये बहुत खूबसूरत जो है ये बना हुआ है। जा रहे ज़रा कैंटीन की तरफ, खाना लेके आए थे तो हमने कहा पहले खाना खा लेते हैं, फिर जो है वो साथ साथ जो है वो घूमते रहेंगे। ये देखिए अब हम जा रहे हैं कैफेटेरिया की तरफ। मुझे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड लग रहा है। आप देख सकते हैं कि वो कैफेटेरिया है। बेटे जगह मिल ही जाएगी। ये हमारे बच्चे जा रहे हैं छोटे छोटे, मेरी सिस्टर के। हुरैन हुरैन, आंटी को देखो। हुरैन जा रही हैं, दोनों बहनें फ्रॉक पहनी है एक जैसी। नहीं नहीं, जिप्स वाले तो यहाँ हैं, वहाँ है ये जगह। ये हमने जब वो खाना लेके आए थे बिरयानी वगैरह होटल से, तो हमने खाया है यहाँ से। हमने चाट ली थी, तो जो है वो खा रहे हैं बिरयानी। ये देखें गाइस, झूले चल रहे हैं यहाँ पे, वो ट्रेन भी जा रही है। और यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा एरिया जो है पोर्शन बना हुआ है झूलों का, तो लोग आज क्राउड देखें। आज कॉमन डे है, संडे नहीं है, फ्राइडे नहीं है, सैटरडे नहीं है, फिर भी बहुत लोग का रश है ईद की वजह से ना। और हमजा भी जिद कर रहे हैं कि मुझे झूले लेने हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बैठती। हमजा इधर देखो, हाय। मेरी फैमिली जो है वो इंजॉय कर रही है और बहुत यहाँ पे खाने पकाने वाली चीज़ें चल रही हैं। ये है कैफेटेरिया, यहाँ पर हम बैठे हुए थे।
बहुत क्राउड है यहाँ पर भी। ये हुरैन है। हेलो गाइस, ये देखें हम आए हैं म्यूजियम, और ये देखें मेरी दोनों बहनें इधर हैं। ईमान क्या कर रही हो? रैन, ये मेरी छोटी बहन है। ये देखें जहाज, वो ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है। ये देखें सारा खुला मौसम हो रहा है, वो देखें बहुत मजा आ रहा है। ये देखें, वो देखें, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। मेरी छोटी बहन ना बड़ा परेशान कर रही है मामा को, बड़ी बहन उसको पकड़ती है, छोटी भागती है, दोबारा भाग जाती है। क्या करें, छोटी बड़ी तेज है। ये देखो जहाज असल है, वो देखें उधर भी है, हर जगह यहाँ पे बहरी जहाज है, जंगली जहाज, वो देखें उधर भी है, वो देखें हर चीज, उधर भी जहाज है, इधर भी जहाज, सारा एक म्यूजियम जहाज से भरा हुआ है। तो मस्जिद में ऐलान हो रहा है, वो देखें ईगल्स नेक्स्ट कैफेटेरिया, चाय, ये देखें सब कुछ खुला मैदान है। मैं आगे जा रहा हूँ, ये देखें जहाज, कितना बड़ा जहाज है, ब्लैक कलर का, वो देखें, वो देखें, ये देखें सारे बंदे बच्चे बैठे हैं इधर, वो देखें खुला आसमान, फुल ग्राउंड है। देखें ये जहाज, वो जहाज, वो जहाज, ये जहाज, सारे इधर जहाज ही भरे हुए हैं, हेलीकॉप्टर तो एक भी नहीं है। देखे तो सही, सारे मजे कर रहे हैं इधर। अभी हम भी झूले झूलेंगे, रात को जाएंगे। तो फाइनली गाइस, हम लोग जो है वो बैठे हुए थे एक जगह, मैं ज़्यादा नहीं घूमी, हमजा ने बनाई है थोड़ी सी वीडियो। तो बस अब हम जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि शाम हो गई है, मगरिब की अजान होगी। मैं ज़्यादा देर मगरिब के बाद नहीं रहती हूँ बाहर, तो हमने कहा बस अब जाते हैं, तो आपको जाते हुए भी विज़िट करवाते हैं, जैसे जाएँगे वैसे वैसे आप देखिए यहाँ पर घर। ये बच्चों के लिए बहुत प्यारे से प्लेन्स जो है उन्होंने इंप्लांट किए हुए हैं। वहाँ से बेटे गेट कहाँ से, वहाँ से मेन जो बना है, देखिए ये जो इन्होंने जो ट्रीज बनाई हुई है ये बहुत प्यारी हैं, ये ट्रीज जो है ना वो बहुत अच्छी बनी हुई है। क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे, तो लोग बहुत पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे कराची में ये जगह जो है वो बहुत प्यारी है, साफ़ सुथरी है, और जो है बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ आके। मोस्टली यही होता है यहाँ आने का पर्पस कि बच्चे इंजॉय कर लें। मेरी सिस्टर आई हुई ही थी पंजाब से, तो हमने कहा चलें चलते हैं आज, ठंडी ठंडी हवा जो है वो लेकर आए। इधर आओ तो असर पता चलता है कराची की ठंडी हवा का, ऐसा लग रहा है जैसे रैम्बो स्टाइल का है, लेकिन कलर्स नहीं है। देख रहे हैं आप वहाँ पर भी प्लेन जो है वो कितने बड़े बड़े जेट्स लगे हुए, लेकिन मिजाइल इतने बड़े बड़े जेट लगे हुए ना, बहुत बड़े बड़े हैं। मोबाइल में तो इस तरीके से कैप्चर नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो है ये काफ़ी बड़े हैं, और ये सीक्वेंस के साथ जो है वो छः सात जो है वो बड़े बड़े जेट इंफ्लुएंस किए हुए हैं। बादल जो है वो ऐसे हो रहे हैं जैसे कि बारिश होगी, मगर बारिश नहीं हो रही है कराची में। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके जेट दिखाती हूँ, ये देखें रात का टाइम है,
ये जेट वो होते हैं जो ये खराब हो जाते हैं ना जो, तो ये इसको बिल्कुल रिफाइन करके तो ये बिल्कुल सही हो जाते हैं, यानी कि इस तरह हो जाते हैं कि म्यूज़ियम में रख सकते हैं। इतनी इसकी जो है वो पूरी सर्विस कर देते हैं कि ये लोग यहाँ पे रख देते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे यहाँ आके जो है वो फिर देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें, और उन्हें पता चलता है अपने शहर के बारे में कि क्या क्या है हमारे सिटी में, कौन कौन सी जगह है जहाँ पे वो इंजॉय कर सकते हैं, आ सकते हैं। बस अब जो है ये इंट्रेस्ट है, सामने आप देख रहे हैं जो छोटे छोटे प्लेन बने हुए ना, ये इंट्रेस्ट है, यहीं से एग्जिट होते हैं और यहीं से एंटर होते हैं। तो बस इंशाल्लाह ताला फिर एक न्यू ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर होगी। इकरा इमरान।